हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो आप कैसे हो? तो मेरे भाई बढ़िया है ना। तो आप सबका एक बार फिर से बैक टू बैक आरआर गेमिंग की एक और न्यू फ्रेश वीडियो में स्वागत है। हाँ, तो फाइनली गाइस यार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे स्कॉर्पियो इवेंट की। और अभी आप इसका ट्रेलर देख पा रहे हो, तो यहाँ पर भाई हमको एकदम ओपी ओपी फ्री के रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और इसी के साथ साथ अभी हमारे फ्री फायर के अंदर ये डिस्काउंट इवेंट आ चुका है। तो भाई यहाँ पर गेरिना फ्री फायर ने हमारे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम किया है। क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ भाई, एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। और वो स्कैम क्या है वो भी आज की इस वीडियो में आपको बता दूंगा। और इसी के साथ साथ भाई आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारे फ्री के रिवॉर्ड्स बताने वाला हूँ, और स्कॉर्पियो इवेंट के फुल रिवॉर्ड्स का रिव्यू भी करवा दूंगा। तो चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके। हाँ, तो फाइनली गाइस यार, सबसे पहले इस गेम की बात करें तो अभी आप अपना गेम ओपन करोगे तो आपको ये डिस्काउंट इवेंट देखने के लिए मिलेगा, जो कि हमारे भुया पास सीजन 5 का है। तो इसके गोटू पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमको ये देखने के लिए मिलता है। तो भाई इस पे स्पिन वाले इवेंट पे क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। अब भाई यहीं पर सबसे बड़ा स्कैम है, क्योंकि यहाँ पर नो डायमंड की एक स्पिन हो रही है। तो अभी मैं आपको ये एक स्पिन नो डायमंड की करके बता देता हूँ। तो भाई यहाँ पर मैंने जैसे ही नो डायमंड की एक स्पिन की ना, तो यहाँ पर मेरे को भाई पेट फूड खुला है, ठीक है। उसके बाद हमारी 19 डायमंड में अगली स्पिन होगी। अब भाई यहीं पर मैंने 19 डायमंड में हमारी अगली स्पिन जैसे ही की ना, तो मेरे को यहाँ पर भाई वेपन रॉयले बाउचर खुला। अब आप यहाँ पर वेपन रॉयले बाउचर देख पा रहे होंगे। अब यहीं पर 49 डायमंड की स्पिन की तो भाई यहाँ पर डायमंड रॉयले बाउचर खुल गया। इसके बाद 99 डायमंड की स्पिन की तो भाई यहाँ पर मेरे को मैजिक क्यू फ्रेगमेंट मिल गए। और यहीं पर अभी हमारी 399 डायमंड की और भी स्पिन होगी, यानी कि भाई यहाँ पर टोटल डायमंड जोड़े जाए तो भाई 580 डायमंड लग रहे हैं। और अगर आप डायरेक्टली हमारा भुया पास परचेस करोगे तो वो 499 डायमंड में आएगा। तो भाई यहाँ पर 81 डायमंड ज्यादा ले रही है गेरिना फ्री फायर, यानी कि भाई 81 डायमंड ज्यादा ले रही है। मगर क्यों? डायरेक्ट भुया पास परचेस करना इस इवेंट के अंदर से, भुया पास स्पिन करके मत निकालना, क्योंकि भाई आपका 81 डायमंड ज्यादा लगने वाला है। तो भाई 81 डायमंड को बचाओ। बात तो सही है। और इसी के साथ साथ अभी हम हमारे स्कॉर्पियो इवेंट की बात करें तो अभी आप ये एनिमेशन देख पा रहे हो तो ये हमारे स्कॉर्पियो इवेंट का ही रहने वाला है। और इसी के साथ साथ इसके फ्री के रिवॉर्ड्स की बात करें तो अभी आप अपनी स्क्रीन पर भाई ये बैच देख पा रहे होगे तो ये हमको बिल्कुल फ्री मिलेगा स्कॉर्पियो इवेंट में। और इसके बाद आप ये आइस एनिमेशन देख पा रहे होगे जो कि एकदम बढ़िया लग रहा है। और इसी के साथ साथ यहीं पर हमको एक फेस एनिमेशन भी देखने के लिए मिलता है, जो कि सही तरीके से नहीं दिख रहा है, पर इन दोनों में से एक हमको फ्री मिलेगा। और इसी के साथ साथ अभी आप यहाँ पर ये अवतार देख पा रहे होगे तो यहाँ पर 4 अवतार दिए हुए हैं, ठीक है। तो इन चारों अवतार में से एक अवतार बिल्कुल 100% कन्फर्म हमको फ्री मिलने वाला है। और यहीं पर हम और नीचे चले जाते हैं तो भाई यहाँ पर हमको ग्लू वॉल की स्किन देखने के लिए मिलती है। अब एक ग्लू वॉल की स्किन तो हमको सही तरीके से नहीं दिख रही है, पर यहीं पर दूसरी ग्लू वॉल की स्किन की तरफ जाते हैं ना, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एकदम ओपी शाइनिंग है, एकदम बेहतरीन लग रही है। तो भाई ये हमको किसी वेव इवेंट में मिलेगी और यहाँ पर हमको डायमंड खर्च करना पड़ेगा। और इसके बाद आ जाती है हमारी ग्रेनेड की स्किन। तो आप अभी अपनी स्क्रीन पर ये ग्रेनेड की स्किन देख पा रहे होंगे तो भाई ये ग्रेनेड की स्किन हमको फ्री मिल सकती है। इसके भाई 80% चांस है कि फ्री मिलेगी, 20% चांस है कि भाई डायमंड खर्च करना पड़ सकता है, ठीक है। और उसके बाद आप ये फिस्ट की स्किन देख पा रहे होंगे तो भाई ये बिल्कुल 100% कंफर्म है कि ये फिस्ट की स्किन हमको हमारे स्कॉर्पियो इवेंट में मिलेगी। पर भाई यहाँ पर हमको कुछ डायमंड खर्च करना पड़ेगा। पर यहीं पर भाई हम हमारी दूसरी स्किन को देखें, यानी कि अजब और गजब हथियार की स्किन को, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इसमें हमको कोई खास लुकिंग देखने के लिए नहीं मिल रही है, पर भाई इसका लुकिंग भी बहुत ही जल्द पता चल जाएगा हमको। और उसके बाद आप ये पेन की स्किन देख पा रहे होंगे तो भाई यहाँ पर आपको डायमंड खर्च करना पड़ सकता है, या फिर भाई ये फ्री भी मिल सकती है, कंफर्म नहीं हुआ है इसका। और इसी के साथ साथ भाई आप ये कटाना की स्किन देख पा रहे होगे तो यहाँ पर तो आपको डायमंड खर्च करना पड़ेगा, ये कंफर्म है। और इसी के साथ साथ भाई हम और आगे बढ़ जाते हैं तो गाइस हमको इसके बाद देखने के लिए मिलेगी एक चक्कू की स्किन। जैसी ये कटाना की स्किन साइनिंग मार रही है ना, वैसे ही हमारी ये चक्कू की स्किन भी साइनिंग मारने वाली है, वो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। तो भाई यहाँ पर भी हमको डायमंड खर्च करना पड़ सकता है। पर भाई इसके बाद है ना, हमारे फ्री फायर के अंदर एकदम ओपी सी, एकदम बेहतरीन सी M60 की गन स्किन आएगी, जो कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो भाई यहाँ पर इसके एट्रीब्यूट की बात करें, सिंगल रेंज, सिंगल रिलोड स्पीड प्लस है, और मैगजीन इसमें सिंगल माइनस है। अब भाई इसमें कोई खास एट्रीब्यूट तो नहीं है, ठीक ठाक है। और भाई यहाँ पर कोई खास एनिमेशन भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो भाई ये हमको फ्री मिलने वाली है। एंड भाई ये मतलब कन्फर्म तो नहीं करूँगा, पर मिल सकती है, ठीक है। और इसी के साथ साथ यहीं पर अभी आप ये MP5 की स्किन देख पा रहे हो, तो यहाँ पर हमको एकदम ओपी सा एनिमेशन देखने के लिए मिल रहा है। और भाई ये MP5 की स्किन हमारी लीजेंडरी रहने वाली है। और इसी के साथ साथ इसके एट्रीब्यूट की बात करें
दो भाई यहाँ पर सिंगल रीलोड स्पीड माइनस है, मैगजीन सिंगल प्लस है, आर्मर पेनिट्रेशन डबल प्लस है। और इसके बाद आती है हमारी ये बाइक की स्किन। तो भाई ये बाइक की स्किन में भी हमको डायमंड खर्च करना पड़ेगा, पर अभी आप इसकी लुकिंग देखो यार, क्या ही ओपी लुकिंग के साथ हमको ये बाइक की स्किन मिल रही है। और ये 100% कंफर्म है कि हमारे स्कॉर्पियो इवेंट में हमको देखने के लिए मिल जाएगी। और इसके बाद हमको यहाँ पर 3 बैनर देखने के लिए मिलते हैं। तो भाई इन तीनों बैनर में से एक बैनर हमको बिल्कुल फ्री मिलेगा, और यहाँ पर भाई बीच वाला बैनर तो कतई झेड़ था। और इसके बाद यहाँ पर भाई ये ट्री रहने वाला है हमारा, जो प्लांट होता है जो दिख नहीं रहा है, और उसके बाद ये बैकपैक भी नहीं दिख रहा है। तो भाई इसको भी छोड़ो और आगे बढ़ते हैं। तो भाई यहाँ पर हमारा जो दूसरे नंबर का बैकपैक है ना, इसको देखो ये कुछ बिच्छू टाइप का लग रहा है। 3 लेवल पर 2 लेवल पर 1 लेवल पर ये थोड़ा थोड़ा छोटा होता चले जाता है, ठीक है। तो ये बैकपैक है। और इसी के साथ साथ भाई हम और नीचे जाते हैं ना, तो भाई और नीचे हमको एक सर्प वॉट की स्किन देखने के लिए मिलती है, जो कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो भाई यहाँ पर ये सर्प वॉट की स्किन है, और यहाँ पर एकदम ओपी सी शाइनिंग आ रही है, एकदम ओपी सी लुकिंग दिख रही है। तो भाई ये मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी लगी। और इसके बाद आ जाता है हमारा ये इमोट। तो भाई यहाँ पर ये सिंगिंग कर रहा है, गिटार बजा रहा है, तो ये इमोट भी हमको हमारे स्कॉर्पियो इवेंट में मिलेगा। और मुझे ये इमोट बहुत ज्यादा बढ़िया लगा। और यहीं पर हमारे अगले इमोट को देखे ना, तो भाई अभी आप अपनी स्क्रीन पर ये अगला इमोट देख पा रहे होगे, जो कि एकदम बढ़िया लग रहा है, एकदम बेहतरीन लग रहा है। और ये हमारा M10 2.0 का इमोट रहने वाला है, ठीक है। उसको आप जैसे ही अपग्रेड करोगे तो आपको ये इमोट मिलेगा। और यहीं पर हमारे अगले इमोट पे जाए, तो भाई यहाँ पर ये ऊपर हाथ करता है, और इसके हाथ में एक नकली हाथ जुड़ जाता है, ये उसको मार के सही कर देता है, ठीक है। तो ये इमोट भी एकदम बढ़िया, एकदम ओपी है। और गाइस यार इसके बाद वाला इमोट देखे ना यहाँ पर, तो भाई ये चाय पी रहा है, चाय के कप में से एक बिच्छू निकला, शरीर में गुस्सा बाहर निकला, और भाई ये लोग भी चाय पीने लग गया। तो ये इमोट एकदम ओपी, एकदम बेहतरीन है। तो भाई ये इमोट मुझे अच्छा लगा कि भाई चाय में से बिच्छू निकला, वो भी चाय पीने लगा, भाई कप में से कप निकला, क्या पता क्या है, पर बढ़िया इमोट है, ठीक है। और उसके बाद अपने को ये लोमड़ी है कि भेड़िया है, इसकी स्किन मिल जाएगी लाल कलर में, जो कि एकदम बढ़िया शाइनिंग मार रही है, एकदम ओपी लग रही है। और यहीं पर हमारा इसके बाद एक एनिमेशन मिलने वाला है। अब आप ये एनिमेशन देखो कि भाई लाल चांद आता है, उसके अंदर से हमारा कैरेक्टर निकलता है, तो ये एनिमेशन मेरे को अच्छा लगा। अब आप यहाँ पर देखो कि भाई उसको पूरा फोड़ दिया, नीचे आया, और इसके हाथ में कुछ है जिसको वो चारों तरफ चला रहा है, गॉड ऑफ बॉय की तरह। गॉड ऑफ बॉय गेम खेला होगा तो भाई वो कुछ ऐसे ही हथियार चलाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमको अगला फेस इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। अब आप इसके चेहरे पर देखो क्या लग गया, जो कि एकदम बढ़िया लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है, ठीक है। तो ये हमको फ्री मिल सकता है। और उसके बाद ये हमारी कुछ भाई रिच मिच रहने वाली है कैरेक्टर की, एंड भाई यहाँ पर हाथ मात कुछ ये दिख रहा है, तो भाई ये भी मिल जाएगी। और इसी के साथ साथ हम जैसे ही और नीचे जाते हैं ना, तो भाई हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है एक ओपी सा बंडल। अब भाई ये एक बंडल नहीं है, मतलब एक ही बंडल है, पर ये हमारा ईवो बंडल है। अब आपको यहाँ पर लाल कलर दिख रहा है, तो भाई इसका जामुनी कलर भी देखो, जो कि डायमंड जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो भाई ये कलर भी मिलेगा इसी एक बंडल में। और भाई इसी एक बंडल में हमको पीला कलर भी देखने के लिए मिलेगा। और भाई ये तीनों कलर है ना, ये चेंज कर पाएगा, पर इसको चेंज करने के लिए आपको डायमंड खर्च करना पड़ेगा। और भाई डायमंड 3 नहीं भाई 4 कलर है यहाँ पर, क्या बात है। हाँ तो फाइनली गाइस यार ये चौथा कलर भी आप देख पा रहे हो। तो भाई इन चारों कलरों को लेने के लिए आपको डायमंड खर्च करना पड़ेगा। इसके कुछ टोकन आएंगे, जैसे आप गन को अपग्रेड करते हो ना, वैसे ही इसको अपग्रेड करना है। और उसके बाद भाई ये कुछ हमारा लुक चेंजर बंडल रहने वाला है। अब आप ये बंडल देख पा रहे हो, जो कि एकदम बढ़िया लग रहा है, लुक चेंजर बंडल था। और उसके बाद ये हमारा कैरेक्टर है, ठीक है। तो भाई ये कैरेक्टर भी हमको इसी इवेंट में देखने के लिए मिलेगा। और उसके बाद आप यहाँ पर देखो कि भाई ये कुछ लुक चेंजर का बंडल था ना, वही सेम ही ये लुक चेंजर इमोट है, ठीक है। आप इसको यूज करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। और इसी के साथ भाई लुक चेंजर मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं हमारी ईवो M10 2.0 की। तो भाई हमारी M10 2.0 का लुक कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा हमको, जो कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, और ये मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको बता भी दिया है। तो भाई यहाँ पर इसके एट्रीब्यूट की बात करें, तो भाई यहाँ पर हमको डबल रेट ऑफ फायर मिलेगा, सिंगल आर्मर पेनिट्रेशन प्लस मिलेगा, और इसी के साथ साथ यहाँ पर मूवमेंट स्पीड माइनस है, और इसकी लुकिंग एकदम बढ़िया है। और यहाँ पर हमको कुछ खास इफेक्ट देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये हमारी M10 2.0 रहने वाली है। और भाई आज की इस वीडियो में मैंने आपको पूरे फुल स्कॉर्पियो इवेंट के रिवॉर्ड्स बता दिए हैं, क्या क्या मिलने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं यार आपको आज की ये वीडियो तो बहुत 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 ज्यादा पसंद आई होगी। पर भाई अभी इसकी डेट कंफर्म नहीं किया है, तो अभी अपन इसकी डेट भी कंफर्म करते हैं। हाँ तो फाइनली गाइस यार अभी आप अपना जैसे ही गेम ओपन करोगे, तो आपको यहाँ पर इवेंट वाले सेक्शन में हमारा रमजान वाला सेक्शन नहीं दिखेगा, ठीक है। और होम पेज में भी हमारा रमजान वाला सेक्शन
नहीं है। हाँ तो भाई सीधी सी बात यह है कि आज रात को 12 बजे या फिर भाई कल परसों यानी कि भाई 5 तारीख से पहले पहले हमारा स्कॉर्पियो इवेंट आने वाला है, ये बिल्कुल 100% कंफर्म है। और भाई चांस तो आज रात को 12 बजे या मॉर्निंग में 4 बजे के बन रहे हैं। अब भाई देखते हैं आज रात को 12 बजे या मॉर्निंग में 4 बजे स्कॉर्पियो इवेंट आता है कि नहीं आता। पर भाई हमारा जो रमजान इवेंट है ना वो तो रिमूव हो गया है, तो भाई ये इवेंट आना तो बनता है। तो उम्मीद करता हूँ यार आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। तो मेरे भाई बाय बाय टाटा, तो लव यू ऑल यूट्यूब फैमिली को, जय हिंद जय भारत, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप वीडियो तो देख लेते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक है, तो मेरे भाई बाय बाय, जय हिंद जय भारत।